अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग मेरे नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं मुर्ग छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और टाइम ज़ाया नहीं करते और चलते हैं किचन में और आपको बताते हैं ये कैसे बनते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने एक कप ऑयल ले लिया, आप चाहें तो एक कप घी भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑयल जब गर्म हो गया तो मैंने दो मीडियम प्याज चॉप डाल दी, ठीक है, और इसको हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। एक कढ़ाई ली, एक कप तेल डाला, आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दो मीडियम प्याज उसके अंदर डाल दी और इसको हम कर देते हैं अब गोल्डन ब्राउन। अच्छा जी, यहाँ पर देखें हमारी प्याज हो रही है और यहाँ पर हो गए हैं चने बॉईल। मैंने ओवरनाइट इसको रख दिया था भिगो के, और आधा चाय का चमचा मैंने सोडा डाल दिया था और सुबह इसको मैंने बॉईल कर दिया था। आधा किलो थे, इसमें से हमने निकाल निकाल के खा लिए, तो अब ये दो से तीन कप रह गए, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर हो गई ये प्याज गोल्डन ब्राउन। इसके अंदर अब मैं हाफ के जी चिकन और साथ में दो खाने के बड़े चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। आंच हमने रखनी है तेज़, जब तक हमने चिकन की भुनाई कर लेंगे, ठीक है, आंच तेज़ ही होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको भुनाई करने के लिए रख दिया था और दरमियानी आंच कर दी थी, और फिर उसके ये देखे यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई की, फिर उसके बाद मैंने चमचा उठा के रख दिया था, ठीक है। अब अलग आ जाते हैं टेबल पे, और यहाँ पर मैंने एक पाव दही लिया, उसमें एक टेबल स्पून मैंने डाला, टी स्पून डाला काला नमक। काला नमक आपके पास अगर नहीं है तो आप आपका घर का जो नमक है वाइट वाला वो डाल सकते हैं, ठीक है। काली मिर्च डाली 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी के कुटी हुई लाल मिर्ची, ठीक है। उसके बाद चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून भर के, ठीक। अच्छा, कोरिएंडर पाउडर यानी पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून भर के, गरम मसाला 1 टीस्पून, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा 1.5 खाने का चम्मच जाएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो भून के पीस के रख लें आप। चलिए जी, उसके बाद डलेगी लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून भर के, या फिर आप जितना भी आपके घर में तेज़ी खाई जाती है उसके हिसाब से रख लें। अच्छा, 1/2 टीस्पून हल्दी, इसको हम कर लेंगे मिक्स, ठीक है, एक पेस्ट सा बना लेंगे दही के साथ मसालों का, सही। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा कढ़ाई की तरफ, और इसके अंदर भुनाई करके मैंने ये पेस्ट पूरा डाल दिया। दही का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से मैंने भुनाई करी तकरीबन 3 से 5 मिनट तक, ठीक है, अच्छे से भुनाई करिएगा वरना दही कभी कभी अंदर फट भी जाता है, सही। अच्छा, इसको फिर भुनाई करने के बाद मैंने हल्की दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, बीच में एक वीडियो मेरी स्किप हो गई है, मैंने 2 चॉप टमाटर डाले थे बारीक बिल्कुल काट के, 2 दरमियाने टमाटर ले लिए थे बारीक, उसको काटा उसमें डाल दिए थे, सही है। दही को जब मसाले को भून लिया उसके बाद टमाटर डाले थे, उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था, कवर करके रख दिया था ताकि हमारे सारे मसाला भी पक जाए, दही टमाटर सब पक जाए और चिकन भी पक जाए, ठीक है। ये 10 मिनट बाद मैंने जब ढक्कन खोला तो फिर उसके बाद ये देखें ये है शक्ल, सही। अब इसके अंदर हम चने ऐड कर लेंगे, ठीक है। चने में मैंने नमक नहीं डाला था, सिर्फ हल्का सा ऑयल डालती हूँ मैं और कुछ भी नहीं डालती, सही, बॉयल करते हुए कुकर में। चलिए जी, अब ये हो गया, अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद ये देखें कलर आप देखें माशाल्लाह कितना अच्छा आया है। इसके अंदर चॉप मैंने जिंजर यानी अदरक डाल दी थी, जूलियन कट काट लिएगा, सही। उसके बाद तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली थी, वो मैंने अच्छा हमेशा मैं धोकर इस्तेमाल करती हूँ कसूरी मेथी, सही, किसी भी छन्नी में आप डाल के आप सही से धो लें क्योंकि कभी कभी इसमें मिट्टी भी होती है, सही। अब बस इसको मैं हल्की दम वाली आंच पे इसको मैं रखूँगी 5 से 7 मिनट, उसके बाद मैं डिश आउट कर लूँगी। आप कलर देखिएगा माशाल्लाह कितना अच्छा आया था, ये देखें
कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इतना यमी, इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह से बना था। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, मुर्ग छोले बहुत अच्छे बने थे। अच्छा, ये मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी, उसके बाद अदरक ऊपर से छिड़क दिए थे। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, हल्का सा गरम मसाला ज़रूर छिड़क दिएगा ऊपर से जब सर्व करेंगे आप, ठीक है। धनिया भी छिड़क दिया ऊपर से, सही है। प्रेजेंटेशन आपको जो जैसी रखनी है आप रखें, लेकिन गरम मसाला मैं भूल गई हूँ, मैं एक दफ़ा ज़रूर बता रही हूँ, ज़रूर ऊपर से छिड़क दिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और आप फर्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।